सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सुशांत सिंह के पिता के सिंह ने पटना में FIR दर्ज कराई थी। इसके बाद से बिहार पुलिस ने अपने स्तर से जांच करना शुरू कर दिया। जी हां, आपको बता दें कि बिहार पुलिस इन दिनों मुंबई में सबूत जुटाने की फिराक में लगी हुई है और मुंबई पुलिस बिहार पुलिस को सहयोग करते हुए नजर नहीं आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि बिहार पुलिस को मुंबई पुलिस की टीम सपोर्ट नहीं कर रही है, लेकिन बिहार पुलिस सभी लोगों से पूछताछ की प्रक्रिया शुरू कर दिया है और कई लोगों से पूछताछ भी किया गया है, लेकिन अभी तक रिया चक्रवर्ती का पूछताछ नहीं किया गया है। FIR दर्ज होने के बाद पहली बार रिया चक्रवर्ती सामने आई है। जी हां, आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती ने एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें रिया चक्रवर्ती बोलती हुई नजर आ रही है कि मुझे गॉड और जुडिशरी पर विश्वास है, मुझे न्याय मिलेगा। हालांकि मीडिया में मेरे बारे में काफी कुछ गलत बातें किया जा रहा है, मैं अपने वकील से सलाह ले रही हूं और उनके कहने के मुताबिक ही मैं उस पर कोई टिप्पणी करूंगा, सत्यमेव जयते। जी हां, आपको बता दें कि इस तरीके का वीडियो पहली बार चक्रवर्ती ने जारी किया गया है। वैसे रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि सुप्रीम कोर्ट सुशांत सिंह के पिता के सिंह उन्हें जानबूझ के झूठे फंसा रहे हैं। आइए देखते हैं वीडियो जिसमें रिया चक्रवर्ती हाथ जोड़ के अपील करते हुए नजर आ रही है। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyamev Jayate, the truth shall prevail. I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyamev Jayate, the truth shall prevail.